मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के नेता चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं। वैसे आपको बता दें, आज प्रदेश में चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन था। वहीं धार जिले में विपक्ष पर निशाना साधते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। जब कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की केंद्र के अंदर सरकार थी, 13वां वित्त आयोग आया, 13वें वित्त आयोग के अंदर कांग्रेस सरकार ने मध्य प्रदेश को 1,34,190 करोड़ रुपए दिया। मैं फिर से रकम बोलता हूँ, याद रखना जरा, 28 तारीख को गुस्से के साथ कमल पर बटन दबाने के लिए काम में आएगा, 1,34,190 करोड़। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी की सरकार, धार वालों ने बना दी, हमारी बहन जी को सांसद भेज दिया, तो मोदी जी की सरकार बन गई, 1,34,190 करोड़ से बढ़ाकर मोदी जी ने 3,44,126 करोड़ रुपया देने का काम। आपको बता दें, भले ही प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया हो, लेकिन इस चुनाव में तो कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। SPN 9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट।